अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबास्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे, और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद
आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदा जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसे होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चलती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कॉलेब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है।
तो ये मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है। अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज देखते हो तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, सहज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतर है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चलती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है,
तो जो लोग वी आई यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वी आई है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है जी फाइव के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो जी फाइव का कॉन्टेंट वी आई पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो वी आई है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक वी आई यूज़र है तो वी आई ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट जी फाइव पर रिडायरेक्ट होकर जी फाइव के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो एपीके आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जी फाइव की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना जाएगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर TV पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था A Tuesday, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा।
इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था, वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है। पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भाई हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कॉलेब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर TV पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना,
और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज़ है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भी हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदा जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है,
मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना जाएगा क्लाइमेक्स में क्या होगा। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे, और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है,
तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है,
अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है, जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदा जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था।
और यही वजह थी कि ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग वी आई यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वी आई है उनका वापस से कॉलेब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट वी आई पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो वी आई है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक वी आई यूज़र हैं तो वी आई ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो एपीके आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है, वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ।
तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है।
मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा। और कुछ मूवीज ऐसे होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चलती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिल पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिल के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है,
तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कॉलेब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर ही डायरेक्ट होकर
G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो एपीके आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है, जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही।
क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भाई हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है, जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर TV पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा
वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था, वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है। पर दोस्तों, यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसे लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतर है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमैक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं।
तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है। तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है, इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था, और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है, पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है, पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है, पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चलती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल, तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे, और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं।
जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदा जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में इन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है, वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जी फाइव की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी से हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि
क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है, पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है, पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसे मूवीज़ है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है, पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भी हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल, तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है, वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर TV पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में
कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था, वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है। पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतर है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदास जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमैक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं।
तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है। तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भी हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे, और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं।
जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी आरदा जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे क्योंकि हर कोई ये जाना जाएगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसे होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया विद्या रामा जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं, इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट से, वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जी भाई की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवी से हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी देओल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, सहज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है,
क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है, पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसे मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि भी हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र हैं तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है, जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर TV पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में
कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस मूवी के जो डायरेक्टर है, इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि यह मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था। वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है, पर दोस्तों यह बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है, पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है, पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। जैसे कि वनिया, विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है, पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चलती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कॉन्टेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल, तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है, जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिशियल रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 out of 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको कैसे लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है, और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमैक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर के हैं।
तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है। तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में उन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ब्लैंक मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही में इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहेंगी, साथ ही में कुछ पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके बारे में जो है वो रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर मूवी उपलब्ध है वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वैसे दोस्तों एक ब्लैंक काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस मूवी के रन टाइम के बारे में थोड़ी बात करें तो 2 घंटे की मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। आपके 2 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवी जो है आपको एंड तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। काफ़ी गजब की कहानी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था फैज़ गुलरेज ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है इन्होंने हाल ही में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ए ट्यूजडे, जो कि डिज्नी प्लस पर आई थी, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, और मैं आपको बताता हूँ आगे मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कारोबार 15 करोड़ का हुआ था, वैसे में एक फ्लॉप मूवी होती है। पर दोस्तों ये बात नहीं है कि मूवी जब फ्लॉप होती है तो मूवी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो फ्लॉप हो चुकी है पर उनकी कहानी काफ़ी गजब की रहती है और ऑडियंस को मूवी काफ़ी पसंद आती है। और साउथ की तो बात ही अलग है, साउथ के अंदर मूवीज़ काफ़ी फ्लॉप होती है पर जब वो मूवीज़ हिंदी के अंदर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे कि विनया विद्या रामा, जया जानकी नायिका, ये ऐसी मूवीज है जो कि उनकी ओरिजिनल इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल रही है पर जब वो हिंदी के अंदर आती है तो काफ़ी चल रही है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको G5 पर देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत लोग यही बताएंगे कि हमारे पास G5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जो लोग VI यूज़र हैं वो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो VI है उनका वापस से कोलाब्रेशन हो चुका है G5 के साथ, जो कि बीच में टूट चुका था। बीच में हमें जो है वो G5 का कंटेंट VI पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब वापस से जो VI है उन्होंने जो है अपना डील कर लिया है। अगर आप एक VI यूज़र है तो VI ऐप को ओपन करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट G5 पर रिडायरेक्ट होकर G5 के जो प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अदर सिम है जैसे कि जियो या एयरटेल तो भी वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो दूसरा जो APK आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत जगह पर मूवी उपलब्ध है जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आपकी चॉइस है अगर आपको फ्री में देखना है तो। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों ये मूवी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि G5 की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ ये बात अलग है, अगर इस मूवी को वो ऑफिस रिलीज़ कर देंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जी है वो अभी बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी के अंदर रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब पर, और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हमें हिंदी के अंदर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। तो वैसे में यह मूवी भी आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी दोस्तों एक्शन थ्रिलर पर आधारित है, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर के ऊपर मूवीज़ देखते हो तो यह मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 आउट ऑफ 6.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2.5 स्टार मिले थे, और 70% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स भी किया था। वैसे दोस्तों सभी लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो आप इस मूवी को खुद देखिए आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मूवी के अंदर आपको सनी डियोल, इसके अलावा करण कपाड़िया, ईशिता दत्ता, इसके अलावा करणवीर शर्मा, साज चौधरी, किशोरी सहाने, जमील खान, बोलराम दास, कुमार सौरभ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं,
जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है और सभी कलाकारों की एक्टिंग भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर मूवी काफ़ी सही बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो होता कुछ यूँ है मूवी के अंदर कि इस मूवी के अंदर जो दिल पर लगा एक आत्मघाती हमलावर की एक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर बाद में आतंकवाद रोधी रास्ता देश को एक घातक हमले से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक बंदा है जो इस मूवी के अंदर काफ़ी अहम किरदार के अंदर है, जिसकी याददाश्त जो है वो चली जाती है, फिर बाद में वो एक मिशन ज्वाइन करता है और उसको कामयाब उसमें कामयाब रहता है या नहीं रहता है वो आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मूवी का जो मेन कहानी है उसी के ऊपर घूमता रहता है, इसी के आसपास घूमता रहता है। मूवी आपको दोस्तों बोर नहीं कराएंगे क्योंकि हर कोई ये जाना चाहेगा क्लाइमेक्स में क्या होगा, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे हम आगे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर इस मूवी से आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आगे से आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी की कहानी इस तरह से हमारे सामने लाई गई है कि मूवी के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और थ्रिल भी इस मूवी के अंदर भर भर गए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बाकी ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको नई मूवीज़ के बारे में यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ ही में इन मूवीज़ के बारे में हम यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं।